सो हे और गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले नेपाली मूवी यानी प्रेम गीत 3 जो कल के दिन रिलीज होने वाला है। लेकिन उससे पहले कल के दिन बहुत सारे जगह पे जो प्रीमियर शोज रखे गए थे, जहाँ पे कुछ स्पेशल लोगों के लिए, कुछ क्रिटिक्स के लिए, कुछ इस मूवी से जो लोगों के लिए जो है स्क्रीनिंग यहाँ पे रखा गया था, प्रीमियर शो यहाँ पे रखा गया था। तो उनके तरफ से जो रिएक्शन निकल के आ रहे, जो रिव्यू निकल कर इस मूवी को देखने के बाद, वो कैसा है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो अच्छा बता रहे या फिर बुरा बता रहे, वही इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। अगर आप लोग भी प्रेम गीत 3 को लेकर एक्साइटेड है और देखना चाहते नेपाल के नंबर वन मच ओवरेटेड मूवी को, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और कल के दिन जब हम इस मूवी को देखेंगे तो सबसे पहले आपको रिव्यू लाके देंगे। तो हमारा एडवांस बुकिंग हो चुका है एंड कल के दिन फर्स्ट डे फर्स्ट हम देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले कि मूवी कैसा है या फिर कैसा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट। तो लाइक कल के दिन प्रेम गीत 3 का प्रीमियर शो रखा गया था, उसको देखने के बाद जो रिएक्शन यहाँ पे लोग दे रहे हैं वो काफी पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आ रहा है। सब यहाँ पे मूवी के लेके तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन सीन्स की तारीफ किया जा रहा है, प्रदीप की परफॉर्मेंस की यहाँ पे तारीफ किया जा रहा है कि वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने किया, जिस तरीके से डेडिकेशन दिखा अपने रोल में, वो तारीफ यहाँ पे करते हुए नजर आए। टीजर एंड ट्रेलर देख के मैंने आप लोगों को यही बताया था कि प्रदीप का जो परफॉर्मेंस है, उनका जो डेडिकेशन है, वो देखने को मिल रहा है। एंड अभी इन लोगों की तरफ से भी, यानी क्रिटिक्स की तरफ से भी, जो लोग देख के बाहर आ रहे हैं उनके तरफ से भी सेम वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पवनदीप, जो कि इस मूवी के सिंगर भी रह चुके, इंडियन आइडल के विनर भी रह चुके, वो यहाँ पे इस मूवी के अंदर गाना गा चुके, तो उनके तरफ से यहाँ पे कहा गया, जब वो बाहर आए मूवी देख के, उनसे पूछा गया कि आपको ये मूवी कैसा लगा, तो उनके तरफ से काफी पॉजिटिव रिएक्शन निकल के आ रहे। प्रदीप के यहाँ पे भर भर के तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जिस तरीके से एक्शन सीन का शूट किया गया, जिस तरीके से लोकेशन का यूज किया गया वो काफी सही है, और जिस तरीके से कहानी है, जिस तरीके से बिल्डअप किया गया वो भी उनको काफी ज्यादा पसंद आया। और भी कुछ सेलेब्स और मूवी क्रिएटर्स को भी ये मूवी दिखाया गया, उनके तरफ से भी काफी पॉजिटिव रिएक्शन निकल के आ रहे। और कुछ रिव्यूअर्स को भी ये मूवी दिखाया गया, लाइक कोमल नाटा, उन्होंने भी मूवी देखा एंड देखने के बाद उनकी भी तरफ से काफी पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर निकल के आ रहे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे प्रदीप की तारीफ की कि उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब उनका जो डेडिकेशन है रोल के अंदर, जो फोकस उन्होंने किया इस रोल को लेके, वो काफी ज्यादा सही। स्टोरी के बारे में उन्होंने बात किया कि एक यूनिक सिंपल सा स्टोरी है जो कि आपके दिल को एकदम भा जाएगा, जो कि उनके तरफ से यहाँ पे कहते हुए नजर आए। जो लोकेशन है, जितने फाइट सीन्स के यहाँ पे यूज किया, जितने कैमरे एंगल्स यहाँ पे दिखाए गए, ओवरऑल उनको मूवी काफी ज्यादा पसंद आया। सबसे ज्यादा उनको प्रदीप का परफॉर्मेंस पसंद आया है इस मूवी के अंदर। ओवरऑल जितने भी लोगों को यहाँ पे मूवी दिखाए गए, लगभग सबकी तरफ से यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन निकल के आ रहे। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रदीप की तारीफ किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक्शन सीन्स की तारीफ किया जा रहा है, दूसरा यहाँ पे लोकेशन की तारीफ किया जा रहा है, चौथा यहाँ पे मूवी की स्टोरी की तारीफ किया जा रहा है कि एक सिंपल सी यूनिक सी स्टोरी है जो कि आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। जिस तरीके से कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया, जिस तरीके से लिखा गया है, वो काफी ज्यादा सही लगने वाला है। दोस्तों अगर आप लोगों में से भी किसी ने मूवी देखा है, प्रीमियर शो देखा है, तो मुझे जरूर से बता सकते हो कि आपको मूवी कैसा लगा और किसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा और किस वजह से जो है कल के दिन हम सब लोगों को प्रेम गीत 3 जरूर से जाके देखना चाहिए, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। तो जितना हमने यहाँ पे रिव्यू सुना है, जितना यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वो काफी पॉजिटिव एंड काफी सही है। हमने ऐसे भी बॉलीवुड के कुछ चूतियापंती मूवीज देखे जिनको देख के भाई दिमाग लिटरली खराब हो जाता है, स्क्रू ढीला हो जाता है। तो मैं एक बार कहूंगा कि कल के दिन जरूर से प्रेम गीत 3 को जाके देखिएगा, इसको सपोर्ट कीजिएगा। ये फर्स्ट इंडो नेपाली मूवी है जो कि भाई नेपाल से डायरेक्ट हिंदी के अंदर इंडिया में रिलीज किया जा, काफी बड़ा उन लोगों ने एक रिस्क लिया है, चैलेंज लिया। और दोस्तों नेपाल से फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मूवी आ रहा है तो भाई सपोर्ट करना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों के दृष्टि में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे स्क्रू ढीला मूवी तो देखा है, उनको सपोर्ट भी किया है। तो दोस्तों ऐसा कोई मूवी आ रहा है जिनको सच में सपोर्ट की जरूरत है, और ऐसा मूवी है जिनको सपोर्ट करना भी बनता है क्योंकि उन्होंने हार्ड यहाँ पे ट्राई किया इस मूवी को फार बेटर बनाने के लिए। दोस्तों कल के दिन चैनल के अंदर सबसे पहले रिव्यू आएगा, तो वीडियो को मिस जरूर से ना करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबसे पहले आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना, मिलता है आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए बाय बाय।